ताकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के बीच इंटरव्यू की सीरीज टाइम टू टाइम लाता रहूंगा। तो आज अगर आप लोग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे साथ है मेरी कलीग अंकिता और ये आपको बताएंगी टेक्सटाइल से रिलेटेड सारी जो आपकी क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं वो आपको सारा एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगी। तो आइए चलते हैं अंकिता के पास। हेलो गाइस, मेरा नाम अंकिता है और मैं पंजाब के एक छोटे से शहर पटियाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने 4 साल बैचलर्स टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में की है और फिर 2.5 साल मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मास्टर्स की है। अच्छा, तो अंकिता मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हाट इज़ टेक्सटाइल एंड व्हाट इज़ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो इन ये तीनों चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं, तो सबसे पहले आप वन बाय वन क्लियर कीजिए कि व्हाट इज़ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल इज़ बेसिकली फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस और पैरामीटर्स और मशीनरी। सो बेसिकली एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर हम, आपने देखा होगा रोटी कपड़ा, हम जानते हैं जैसे कि रोटी कपड़ा मकान तीन एक मेन चीज़ें होती हैं इस दुनिया में जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। उसमें से एक है कपड़ा। जो कपड़ा मैन्युफैक्चर होता है, फैब्रिक मैन्युफैक्चर होता है, उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो एक टेक्सटाइल इंजीनियर कवर करता है और जो एक डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट होता है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर कवर करता है। तो बस यही है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइन में फ़र्क। ओके ओके ओके। सो मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स गांव के होते हैं और जो 12th करने के बाद करियर ऑप्शन ढूंढते हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, 12th के बाद आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हैं, या इस पर थोड़ा सा गाइडेंस? हाँ, तो बेसिकली अगर डिग्री किसी को करनी है तो वो तो 12th के बाद ही होगी। उसके भी अलग अलग जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसी के थ्रू आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। वो एक स्ट्रीम होती है। किसी भी, बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो ये स्ट्रीम ऑफर करते हैं टेक्सटाइल, तो आप इंजीनियरिंग के थ्रू उसमें भी जा सकते हैं। बाकी आप डिप्लोमा तो कर ही सकते हैं, वो भी 12th के बाद ही होता है। और अच्छा, तो यानी वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं और 12th के बाद कर सकते हैं ऐसा? हाँ। कोई तो 12th में कोई स्ट्रीम वगैरह होती है कि आपका कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ होता है? हाँ, या हाँ, हाँ। क्या होता है उसमें? क्योंकि ये इंजीनियरिंग का ही पार्ट है तो आपको ऑब्वियसली साइंस लेनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, तो 12th में साइंस होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ठीक है डिग्री डिप्लोमा करें तो कुछ आप सजेस्ट करो कि कहाँ से करना बेहतर रहता है? तो अगर आप इंस्टीट्यूट के, ऑब्वियसली सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट ही बेटर रहेगा इसके लिए, उसके आगे भी स्कोप रहेंगे। तो इंडिया में सबसे अच्छा तो IIT माना जाता है। IIT में से भी एक IIT है जो टेक्सटाइल का कोर्स ऑफर करता है, वो है IIT दिल्ली टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। और फिर उसके बाद IITs के बाद NITs आते हैं, उसमें से भी एक NIT है जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ऑफर करता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, जिसमें से मैंने किया, मैंने NIT जलंधर से किया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। उसके बाद और भी बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, बेहतर रहेगा कि सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही करें। जैसे एक DKT है HL करंजी में, और जैसे भिलवाड़ा में बहुत सारे, एक कॉलेज है जैसे MS बरोड़ा में एक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी फील्ड होती हैं, जैसे टेक्सटाइल केमिकल टेक्नोलॉजी होती है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है, उसमें मशीन्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और हमारे में ओवरऑल फोकस किया जाता है। और केमिकल्स में जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है टेक्सटाइल्स का, उस पर फोकस किया जाता है। और एक मैन, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम होती हैं उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। अच्छा, तो अगर मैं एक फीस स्ट्रक्चर का आइडिया लूँ तो कितना, अगर आप जिस इंस्टीट्यूट से करने के लिए बता रहे हैं वहाँ पे कितना फीस लग जाएगा? बेसिकली फ़ी तो वैसे कॉलेज पे डिपेंड करती है, किसी रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रीम वो कॉलेज पे डिपेंड करेगी। जैसे मेरा कॉलेज था उसमें जब मैंने किया था तो 25,000 थी, अब शायद 50,000 से 60,000 हो गए पर सेमेस्टर, जो कि 6 महीने होते हैं रिगार्ड, मतलब उसमें इंक्लूडिंग, उसमें एक्सक्लूडिंग मैं हॉस्टल बता रही हूँ, हॉस्टल का अलग से होगा। और तो वही 60,000 से 80,000 मैं बोलूँगी, 60,000 से 80,000। तो आपका खर्चा अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो 4 साल का करीब 6 से 8 लाख का आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर्स है वो रूरल एरिया से, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी 8 लाख 9 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसा कोई स्कोप होता है कि वो 1 साल का डिप्लोमा करके स्टार्टिंग कर लें, फिर अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लें, ऐसा कुछ ऑप्शन भी होते हैं कि 1 साल का डिप्लोमा कर लें कहीं अपने आसपास से ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा भी ऑप्शन है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आई गेस, मतलब करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिली भी हूँ। तो बस उसका स्टार्टिंग, उसमें अगर खर्चा कम आ रहा है तो बस स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा कम रहता है। हाँ। डिग्री से। अच्छा, लेकिन करके वो इस करियर में आ सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत ही अच्छा है। अब अगर मैं बात करूँ स्कोप क्या है, आप काफ़ी दिनों से इस लाइन में काम भी कर रही हैं, तो स्कोप क्या है इन इंडिया
एज एन टेक्सटाइल इंजीनियर? तो एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर इसका स्कोप तो यही है कि आपकी शुरुआत हो जाती है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट पे, ऑब्वियसली डिपेंड करता है, अगर आप मिड लेवल मतलब मेरे जैसे तो प्रीमियम से हो तो आपकी शुरुआत हो जाती है 30,000 से, स्टार्टिंग बोलूँगी कि 20,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसे आपने जहाँ से किया है तो स्टार्टिंग आपकी 30,000 से होती है, और अगर आपने कहीं डिप्लोमा किया है एक साल का तो मान के चलिए 15-20 तो स्टार्टिंग में मिलेगा ही मिलेगा। और करियर डिमांड जैसा कि हमने बताया कि रोटी कपड़ा मकान, तो ये चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती, करियर डिमांड हमेशा चलती रहती। अच्छा, तो अब मैं बात करूँ कि जैसे एक रोल रहता है कि मैंने कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया तो मेरा कुछ काम कंप्यूटर वर्क रहता है, कुछ काम लोगों से मिलना कोऑर्डिनेशन करना, तो इसमें कितना परसेंट देंगे कंप्यूटर को और कितना देंगे लोगों से मिलना कोऑर्डिनेट करना और फॉलो अप लेना? अगर मैं बोलूँगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खासियत यही है कि आप दोनों तरह के काम कर सकते हो, दोनों तरह का स्कोप है आपके पास, ब्लू कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब दोनों है। जैसे अगर आपको सिर्फ ब्लू कॉलर चाहिए कि आपको लोगों से तालमेल रखना है या कंप्यूटर पर काम नहीं करना, तो आप आपको शिफ्ट इंचार्ज या प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी का रोल मिल सकता है। और अगर आपको वाइट कॉलर करना है तो जैसे मैंने भी किया, मैंने PPC में काम किया, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में, वो पूरा कंप्यूटर पे होता है, वाइट कॉलर जॉब होता है। आप R&D में भी कर सकते हैं और क्वालिटी में भी। अच्छा, तो यानी कि टेक्सटाइल डिग्री डिप्लोमा करने के बाद इसमें वेरियस टाइप की प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग आप जॉब करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो कैसा आप करना चाहते हैं। अच्छा, ओके। सो अब लास्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आर यू एंजॉयिंग दिस फील्ड, आपको कैसा लगता है इसमें और आप खुद इसको क्या एंजॉय करते हो? हाँ, बहुत कुछ एंजॉय करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा पूरा डिग्री के बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग बोलते थे कि कंप्यूटर साइंस कर रहे हो और ये सब, जबकि टेक्सटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे लगे कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि अगर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल में की फील्ड में घुस सकूँ, जैसे इसरो वगैरह है वो आजकल बहुत, और इनफैक्ट इंडियन मिलिट्री भी है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं टेक्सटाइल को, हम उनकी प्रोडक्टिवनेस उनकी बढ़ा सकते हैं, उनको ज़्यादा कम्फर्टेबल बना सकते हैं, तो इसमें बहुत, ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट लगता है मेरे को इस चीज़ का। तो बहुत सारे एन्जॉयबल आस्पेक्ट भी हैं इसके। और बाकी मैं बोलूँगी कि अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए आपको डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहना चाहिए, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, क्योंकि अभी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, तो वहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज की नौकरी दी जाती है, जिसमें टाइम फाउंडेशन और ये सब बहुत रहती हैं, तो ज़्यादा मेल प्रेफरेबल होता है वो। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब हैं, बट टेक्स्ट मुझे लगता है कि टेक्सटाइल डिज़ाइन में ज़्यादा स्कोप रहेगा अभी के सिनेरियो को लेके। मैं आशा करती हूँ कि आगे ये इंडस्ट्री बदलेगी। अच्छा, जैसे कि मेरे जानने में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे अगर वो इंजीनियरिंग करने के बाद डिप्लोमा कर लें या डिग्री कर लें तो उनका स्कोप इसमें अच्छा हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स की है टेक्सटाइल डिज़ाइन में, कोई मास्टर्स भी कर सकता है तो ऑब्वियसली उसका स्कोप और बढ़ेगा। वो जैसे टेक्सटाइल इंजीनियर में जो इंजीनियर होता है वो मैकेनिकल में मास्टर्स कर सकता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं वो उसी फील्ड में रह गया, वो अपनी फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर कोई अपने आप को उस फील्ड में स्टक पाता है कि, तो हमारे पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे मैंने डिज़ाइन किया है तो ऑप्शन तो बहुत हैं उसमें। तो आई होप आप लोगों को जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे बेसिक्स वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी क्लियर ना हुए हो तो कमेंट सेक्शन में करके बताएं, मैं आपको पर्सनली इस पर रिस्पांस करूंगा और गाइड दूंगा। तो सबसे एट द एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच अंकिता। और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोज़ में इसमें लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।